हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। बैक स्लैश ए लगाने से क्या होता है? बीप की साउंड रिकॉर्ड होती है, तो इन्होंने अभी बैक स्लैश ए लगाया है। तुम बना के दिखाओ बीप साउंड। बीप साउंड रिकॉर्ड करो, यहाँ पे देखिए बीप की साउंड रिकॉर्ड होगी फिर से, जो अभी अभी रिकॉर्ड हुई थी। मैं फिर से दोबारा से प्रोग्राम बना रहा हूँ। बैक स्लैश ए देखिए यहाँ पे लिखा जाएगा, तो प्रिंट कराओ, प्रिंट कराओ, हेलो वर्ड प्रिंट करा दो। यहाँ पे ये हेलो वर्ड प्रिंट करा रहे हैं और इसमें बैक स्लैश ए लगाएंगे और साउंड रिकॉर्ड होगी बीप की, आपको सुनाई भी देगी। तो दिखाता हूँ आपको, देखिए हेलो वर्ड, ठीक है, और यहाँ पे बैक स्लैश ए लगाओ, हाँ ए, ठीक है। आप इसको सेव करो, सेव करेंगे डॉट सी एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे, चाहे जिस भी नाम से सेव कीजिए, हो गया। अब इसको कंपाइल करो, ओ देखिए, तो ये जो है ना बीप की साउंड थी जो अभी अभी आई है, ठीक है। एक बार फिर से चलाओ इसको, इससे पहले वाले में बिप की साउंड सुनाई थी, ये देखिए फिर से सुनाई थी। एक बार और चला दो ताकि और ज्यादा क्लियर हो जाए। ये देखिए ये जो आवाज आ रही है ना, ये एक साउंड सी आपको सुनाई दे रही होगी। अभी इसमें से बैक स्लैश ए हटा दिया गया है, तो क्या अभी भी ये बिप करेगा? तो एक बार इसको सेव कर लेते हैं फिर से। सेव कर लिया, पहले से तो सेव है ही, लेकिन चूंकि चेंजेस किया था तो इसको सेव कर लिया। अब यहाँ से बिल्ड पे जाके कंपाइल करवा देंगे, देन यहाँ से रन करवा देंगे। अभी बिप की साउंड आई नहीं आई? तो बीप की साउंड तभी आएगी जब आप बैक स्लैश ए लगाएंगे, ठीक है ना? समझ में आई बात? ओके।